Welcome everyone, it's Malti Ankodia from GPC Ajmer. Students, today we are going to learn about voice. In Hindi we call it vachya. I have written two sentences here on the board. I eat a mango and a mango is eaten by me. Yes? Now these two sentences are having same meaning but इनका रूप अलग है. मीनिंग सेम है बट रूप अलग है. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मैं आम खाता हूँ और आम खाया गया मेरे द्वारा. इसी तरह से ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, आई ईट अ मैंगो इज ईटन बाय मी. तो ये हमने वाच्य परिवर्तित कर दिया है, हमने इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर दिया है. ये सेंटेंस आपका एक्टिव है और ये सेंटेंस आपका पैसिव है. क्लियर? Now question is, how are we going to convert this sentence into passive? Now see, first of all, you need to recognize what is the pattern. We all know this is subject, this is verb, and this is an object. Yeah? Now, first of all, we need to pick an object and start our sentence with an object. Now, a mango hamara ab subject ban gaya hai passive mein. Yes? एंड जो एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है, यानी कि डूअर. अब हम इसको रिसीवर बोल सकते हैं या फिर हम इसको एजेंट भी कह सकते हैं. यस? और ये ध्यान रखिएगा, आई को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मी में. आई प्रोनाउन जो है वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा. डूअर, काम किसके द्वारा किया गया है, हियर यू हैव टू मेंशन. Yes? So what this is the first rule. Now that you need to change. Here I have mentioned subject and object ka placement hai, change ho jata hai. Is this clear? Now see the rule number two. Change pronoun agent. As I told you, you need to change I into me. Yes? Now see the third rule. Use by before agent. Here I have used by before agent. आपको काम किसके द्वारा किया गया है, द्वारा मेरे. तो बाय हम यहाँ पे रिसीवर के पहले लगाते हैं. इज दिस क्लियर? नाउ थर्ड रूल इज, फोर्थ रूल इज, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. क्लियर? एंड ये इज अब बचा बाकी हमारा, ये कहाँ से आया? इज हमेशा इज इसलिए आया क्योंकि हमने इस टेंस का सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं किया है. ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है और ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस है. ठीक है? प्रेजेंट टेंस में हम थ्री ऑक्सिलरीज हम यूज़ करते हैं, इज एम आर. तो ये ही आपको इज एम आर में से यूज़ करना है एक. और चूंकि हमारा अ मैंगो है तो उसके हिसाब से मैंने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चूज़ किया है. इज दिस क्लियर टू यू? नाउ वन क्वेश्चन अकर्स इन आवर माइंड, लाइक व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस कैन वी कन्वर्टेड can be converted into passive. So the answer is, when the action verb is in transitive, only those type of sentences can be converted into passive. Verb हमारी दो प्रकार की होती है, transitive and intransitive. Transitive में object पाया जाता है with object और intransitive without object. Yes? जैसे I fly a kite. Here we have got an object here. So this verb is obviously transitive verb. Clear? Now here birds fly, here object is missing. Object is missing, so what kind of verb is this? This is intransitive verb. Yes? यानी कि जो intransitive verb होती है उस sentences को हम passive में convert नहीं कर सकते. So our keyword is what? Object. अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो ही सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट हो पाएगा. जैसे मैं सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करूँ, अ काइट इज फ्लोन बाय मी. सिंपल. सो व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. ऑब्जेक्ट हमारा कीवर्ड है, उसी को हम उठाएंगे पहले और उसको पहले प्लेसमेंट करेंगे. इज दिस क्लियर? नाउ The second question occurs in our mind, like why do we call active sentence active and passive sentence passive?
द सिंपल आंसर इज़ वेरी सिंपल. एक्टिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसीलिए सब्जेक्ट सबसे पहले है. और पैसिव सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को उठाकर सबसे पहला स्थान देते हैं सेंटेंस में. इज दिस क्लियर? तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. और सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे लिए पैसिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है. इसको अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है. अ मैंगो इज ईटन. नाउ हियर दिस यू नीड नॉट टू पुट एवरी टाइम. यस, सो दिस सेंटेंस इज कंप्लीट. तो व्हाट हैज हैपेंड, सब्जेक्ट जो है हमारा वो यहाँ के आकर पैसिव बन गया है, ये निष्क्रिय हो गया है. हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने जो ले ली है वो है हमारा ऑब्जेक्ट. इज दिस क्लियर? नाउ आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर वन थिंग. अकॉर्डिंग टू रेनन मार्टिव, ओनली इफ यू फाइंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस देन इट कैन बी ओमिटेड. यस, बट अगर यहाँ पर आपके नाउन है जैसे राम ईट्स अ मैंगो, तो यू हैव टू पुट राम हियर बाय राम. यस, बिकॉज राम इज नाउन. ओनली प्रोनाउन कैन बी ओमिटेड अकॉर्डिंग टू ग्रेट ग्रामरियंस रेनन मार्टिन. अब इसी सेंटेंस को हम कंटिन्यूस टेंस में देखेंगे. आई एम ईटिंग अ मैंगो. सो किस तरह से हो जाएगा ये बताइए. आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट, वी ऑल नो दिस इज एन ऑब्जेक्ट आर. सो अ मैंगो इज being eaten. Yes? Now, ये question आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम ने यहाँ being क्यों लगाया है. So now, look at me. Look at this question, this sentence. Eat को हमने V3 में convert कर दिया है. Yes? Eat को हमने V3 में convert कर दिया है. और जो ing बचा है हमारा, ing, this ing, इसको हमने being ing, ये ing ही है देखिए, इसको हमने बी में अटैच किया है. बी में अटैच क्यों किया है हमने, इस बी में अटैच क्यों किया है हमने, क्योंकि बी की ही फॉर्म होती हैं सारी हेल्पिंग वर्ब्स. इज एम आर, वॉज वर, ये सब बी की फॉर्म है, इसलिए हमने बी में इसको अटैच किया है. सो इज दिस क्लियर टू यू ऑल? यस. और हमने बींग इसलिए लगाया है, एज आई टोल्ड यू, यू नीड टू मेंटेन द टेंस ऑफ द सेंटेंस. So this is present continuous tense. So to maintain the continuity of the sentence, I have used being here. Is this clear? So ये बात मेरी ध्यान रखिए, जब भी sentence में आप ing पाएंगे, being लगाएंगे. I repeat, whenever you find ing in a sentence, in an active sentence, you always use being in a passive. Is this clear? Now, see the third pattern, third tense. I have eaten a mango. Yes, this you all know. Has, have, had, जहाँ हम use करते हैं वो हमारा perfect tense होता है. उसको हम कैसे convert करेंगे, you all know. A mango has been eaten. Is this clear? As I told you, आपको you'll have to pick first an object. यहाँ हमने object का placement कर दिया है sentence की शुरुआत. और ये has, have है, यानी कि perfect tense है, इसलिए हमने यहाँ पर perfect has, have use किया है. अब चूँकि ये present perfect है तो has, have हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. हैज़ इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि अ मैंगो के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे एज़ यूज़ हुआ है, हैज़ यूज़ हुआ है. यहाँ हैव आई के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है. ये बात ध्यान रखिए कि आपके सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? नाउ रिमेंबर वन थिंग, जहाँ भी सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड पाएँ, हैज़, हैव, हैड पाएं, बीन लगाएं. यस, तो दो बातें ध्यान रखेंगे आप, जहां पर भी आई एन जी पाएंगे
वहां बींग लगाएंगे. यस, फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग, जहां भी हैज हैव हैड पाएंगे वहां बीन लगाएंगे. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इट अकर्स इन आवर माइंड व्हेन बोथ मीनिंग्स आर बोथ मीनिंग ऑफ द बोथ द सेंटेंसेस आर सिमिलर, देन व्हाई डू वी रिक्वायर पैसिवाइजेशन? हमें पैसिवाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब दोनों का अर्थ समान है तो हमने इसको परिवर्तित क्यों किया है? व्हाई डू वी रिक्वायर पैसिवाइजेशन? फर्स्ट, इट मेक्स आवर लैंग्वेज इम्प्रेसिव. Impressive and effective. Yes, and when the things are in black and white, यानी कि जब चीज़ें written में हों तो हम इसको use करते हैं. Use passive. Is this clear? And the third is, whenever you want to lie, आपको झूठ बोलना है. You can hide the facts. How come? Or avoid repetition. It makes our passivization makes our language impressive and effective. And when the things are in black and white, जब आपकी चीज़ें written में हो तो हम passive language का use करते हैं. Or you can hide facts or avoid repetition through passivization. How come? Just suppose one child comes to mama and he said, "Mama, mama, a cup has been broken." Yes, a cup has been broken. He is not informing his mother by whom. Yes, so what he has done, he has hidden facts that he has broken a cup. Yes, means he is giving incomplete information. Yes, half information de raha hai means jhoot bol raha hai. To hide facts means you are lying to someone. Clear? And avoid repetition. रिपीटेशन अवॉइड करते हैं, कर सकते हैं. कैसे? बाय बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि काम किसके द्वारा किया गया है. है ना? द वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी, नॉट लाइक दैट. तो इन दिस वे यू कैन अवॉइड रिपीटेशन. इज दिस क्लियर टू यू? सो आई होप यू अंडरस्टैंड. इन द नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू टेल यू अदर टेंसेज ऑल्सो, लाइक हाउ वी कन्वर्ट इन पैसिव. I hope you enjoy. Thank you, everyone.